गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, फंड फ्लो स्टेटमेंट एडजस्टमेंट। बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने बेटा समझ लिया था। कितने स्टेप में फंड फ्लो स्टेटमेंट बेटा बन के रेडी होता है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और इसके बाद एक एक आइटम्स को मतलब तीनों स्टेप्स को हमने बहुत डिटेल डिस्कशन में लिया था। पहला आपका स्टेप था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा बेटा स्टेप था खुद फंड फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेप था बेटा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा जिन स्टूडेंट ने भी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, पहले बेटा प्रीवियस वीडियो को देखना, देन उसके बाद आज की वीडियो को आपको स्टार्ट करना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बेटा सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे उस एडजस्टमेंट का नाम है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या करना है बेटा, सबसे पहला एडजस्टमेंट हम कौन सा डिस्कस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेकिन बेटा एडजस्टमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा इतनी ध्यान रखना, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन प्रिपेयर करें, चाहे से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करें, चाहे से आप रेशो का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बेटा उसमें आपको क्वेश्चन में जो चीज हमेशा गिवन होती है वो होती है बेटा बैलेंस शीट। क्या गिवन होगी बेटा क्वेश्चन में आपको, बैलेंस शीट। ध्यान रखना कुछ आइटम बैलेंस शीट के हमें अंदर गिवन होते हैं, इनसाइड आइटम, और कुछ आइटम हमें बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में गिवन होते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, कुछ आइटम बैलेंस शीट के अंदर इनसाइड आइटम के रूप में गिवन होंगे, और कुछ आइटम या कुछ इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में। जो आइटम बेटा बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो उनका फंड फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त वन साइडेड इफेक्ट होता है। कितने साइड इफेक्ट होगा बेटा, वन साइडेड। लेकिन जो भी आइटम बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं उनका फंड फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त हमेशा टू साइडेड इफेक्ट होता है। जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन थे उनका वन साइडेड इफेक्ट, जो आइटम बैलेंस शीट के बाहर गिवन है बेटा उनका टू साइडेड इफेक्ट। अब बात करते हैं सर ये वन साइडेड इफेक्ट क्या होता है, सर ये टू साइडेड इफेक्ट क्या होता है। बेटा वन साइड इफेक्ट का मतलब यह है कि आपने जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया था तो मैंने आपको टोटल तीन स्टेप बताए थे, पहला डब्ल्यूसी स्टेटमेंट, दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट खुद, और तीसरा था हमारा बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं उनकी बेटा हम तीन में से केवल एक ही जगह पोस्टिंग करेंगे, और जो आइटम बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में गिवन होते हैं उनकी बेटा हम तीन में से दो जगह पोस्टिंग करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो अंदर वाले आइटम्स की तीन में से एक जगह पोस्टिंग और बाहर वालों की बेटा तीन में से दो जगह है पोस्टिंग। चलिए अब स्टार्ट करता हूं अपना सबसे पहला एडजस्टमेंट जिसका नाम है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा पढ़ना है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पहले इसको समझने की कोशिश करें बेटा, प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है जिस भी वर्ड के आगे प्रोविजन लग जाए वो हमेशा होती है लायबिलिटी। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, टैक्स का हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है ना कि हम टैक्स को रिसीव करेंगे। तो जिस भी वर्ड के आगे प्रोविजन लग जाए, प्रोविजन इज जस्ट एज गुड लक, और जिस भी वर्ड के आगे प्रोविजन लग जाए
वो हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा बेटा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन उससे पहले किस चीज का प्रोविजन, किस चीज की गुल्लक बनानी हो? टैक्स की। तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यदि एडजस्टमेंट को समझना है तो पहले हमें थोड़ा सा टैक्स के नेचर को समझना पड़ेगा कि सर टैक्स का नेचर क्या होता है। यदि हम टैक्स के नेचर की बात करें तो बेटा कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले कर ली। टैक्स के नेचर की यदि मैं बात करूं तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स का जो पेमेंट है बेटा वो कंपल्सरी है। गवर्नमेंट को आपको एवरी ईयर टैक्स पे करना है। यदि आप प्रॉफिट कमाओगे, यदि आप कोई भी इनकम अर्न करते हो तो गवर्नमेंट को बेटा आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट, इट इज नॉट एन ऑप्शनल पेमेंट कि मैं तो नहीं दूंगा। चलिए दूसरा पॉइंट बेटा, टैक्स का जो पेमेंट होता है बेटा हर साल होता है, क्योंकि हर साल यदि आप प्रॉफिट कमाओगे एवरी ईयर आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा बेटा? टैक्स। दूसरा नेचर, टैक्स का पेमेंट हमेशा होता है बेटा विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर। 19 में जो भी आपने पैसा कमाया गवर्नमेंट को आपको टैक्स 20 में पे करना होगा। 2020 में आपने जो भी बेटा पैसा कमाया उसका गवर्नमेंट को टैक्स आपको 21 में देना होगा। तो टैक्स का पेमेंट होता है एक साल के अंदर अंदर। और तीसरा पेमेंट किसमें होगा बेटा? या तो वाया कैश या कोई भी कैश के इक्विवेलेंट आइटम के थ्रू, जैसे आप चेक के थ्रू पेमेंट करो किसी भी तरह का, ठीक है, कोई भी आज जितने भी आपके एप्लीकेशन है उनके थ्रू पेमेंट करो। कहने का मतलब यह है वाया कैश या कोई भी कैश का इक्विवेलेंट आइटम। तो बेटा यदि हम इसकी थोड़ा नेचर को समझने की कोशिश करें कि टैक्स का पेमेंट हमें हर साल करना है, एक साल के अंदर अंदर करना है, बेटा कैश में करना है, तो आप सिंपल सी बात है कुछ नेचर हमारे सामने निकल के आया, क्योंकि आपने कहा जिस भी वर्ड के आगे प्रोविजन आता है वो लायबिलिटी है। बेटा लायबिलिटी दो ही होती है, या तो लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म या होती है लायबिलिटी लॉन्ग टर्म। या तो लायबिलिटी होती है करंट या होती है नॉन करंट। करंट बोल दो, शॉर्ट टर्म बोल दो, एक ही बार। लॉन्ग टर्म बोल दो, नॉन करंट बोल दो, एक ही बार। इज इट क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा कि यदि हम बात करें नेचर के अकॉर्डिंग तो हमें ये लग रहा है कि बेटा टैक्स कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है बेटा? करंट। और यदि टैक्स आपके लिए करंट लायबिलिटी है तो टैक्स का जो पेमेंट है हमें बेटा कब करना होगा? सिंपल सी बात है, एक साल के अंदर अंदर और कैश में। और आपने बचपन से आज तक करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन यही पढ़ी होगी, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच हैव टू बी पे विद इन ए ईयर इनटू कैश। जिन लायबिलिटीज का पेमेंट हमें कैश में करना है, एक साल के अंदर अंदर करना है, उस सारी की सारी बेटा कौन सी लायबिलिटी होती? करंट। इसीलिए हमने टैक्स के आगे बेटा कौन सी लायबिलिटी शो करा है? करंट लायबिलिटी। और यदि आप टैक्सेशन को बेटा करंट लायबिलिटी अज्यूम करते हैं, मतलब करंट लायबिलिटी आप मानते हैं, अज्यूम क्या करते हो भाई, नेचर तो करंट ही है, और यदि आप इसको करंट लायबिलिटी मानते हैं तो बेटा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हमने आपको एक एडजस्टमेंट करवाया था, सॉरी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हमने आपको एक स्टेप, फर्स्ट जो हमारा स्टेप था, फर्स्ट जो हमारा परफॉर्मा था वो क्या था बेटा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप WC को करंट लायबिलिटी मानते हैं तो बेटा हम इसको कहाँ शो करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। कौन से हेड में करोगे बेटा? करंट लायबिलिटी हेड में। और आपको ध्यान हो तो हमने वहां पे बेटा ये आइटम लिखवाया भी था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो जो भी आइटम बेटा बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं, सॉरी जो भी आइटम अकॉर्डिंग टू नेचर, पहले हमने बात करी अकॉर्डिंग टू नेचर कि टैक्स का जो नेचर है बेटा वो कौन सी लायबिलिटी है? करंट। यदि हम इसको करंट लायबिलिटी मानते हैं तो बेटा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए हमने कौन सा स्टेटमेंट बनाया था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कौन से हेड में लिखा दो? करंट लायबिलिटी हेड में। किस नाम से लिखा दो? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब आ जाता हूं, मैंने आपको 5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था कि कुछ आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन होंगे, कुछ आइटम बैलेंस शीट के बाहर गिवन होंगे। जो आइटम बेटा बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं उनका फंड फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त केवल कितने साइडेड इफेक्ट होता है? वन साइडेड।
यह सिंपल सी बात है बेटा, ये टैक्स का जो अकाउंट गिवन होगा ये आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा। कहाँ गिवन होगा बेटा? बैलेंस शीट के अंदर। और यदि बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो बेटा इसका केवल और केवल कितने साइड इफेक्ट होगा? वन साइडेड। और तीन में से केवल एक ही जगह पोस्टिंग होगी, वो पोस्टिंग बेटा आप लोग कर चुके हैं। कौन से हेड में, कौन से स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कौन से हेड में? करंट लायबिलिटी हेड में। इस नाम से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नाम से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। तो यदि हम टैक्स को बेटा करंट लायबिलिटी मानते हैं तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में। कौन से हेड में? डब्ल्यूसी स्टेटमेंट हेड में, सॉरी डब्ल्यूसी स्टेटमेंट में। और कौन से हेड में? करंट लायबिलिटी हेड। और जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं उनका केवल और केवल वन साइडेड इफेक्ट होता है। बेटा अब एक छोटी सी चीज, जितना भी ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया, टैक्स का भी नेचर आपको बताया, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई, अकॉर्डिंग टू नेचर आपने कौन सी लायबिलिटी माना, कहां पे आपने उसको शो किया, दो मिनट के लिए इसको भूल जाना। हम टैक्स को बेटा अब करंट लायबिलिटी अज्यूम नहीं करेंगे, हम टैक्स को कौन सी लायबिलिटी अज्यूम करेंगे बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी मानने का मतलब है बेटा लॉन्ग टर्म। यदि आप टैक्स को नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं तो बेटा उसमें फिर आपको टैक्स का जो अकाउंट है वो ओपन करना होगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? यदि आप टैक्स को करंट लायबिलिटी अज्यूम ना करके नॉन करंट लायबिलिटी अज्यूम करते हैं तो आपको टैक्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और टैक्स के अकाउंट में बेटा टोटल चार आइटम्स आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिस भी वर्ड के आगे प्रोविजन लग जाए वो हमेशा लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का बेटा हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जिसका जो बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस हमेशा उसी साइड में शो करते हैं। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट बैलेंस है तो हमने इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो किया? क्रेडिट साइड में। जब ओपनिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट साइड में आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस जस्ट अपोजिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो बाई बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीबी यानी क्लोजिंग बैलेंस। और दो आइटम बेटा एक्स्ट्रा और आते हैं, एक आता है टू बैंक और चौथा आता है बेटा बाय पीएल। यानी बहुत सिंपल सा है, करंट मानोगे तो सीधे डब्ल्यूसी में दिखा दो और कुछ नहीं करना, नॉन करंट मानोगे तो अकाउंट ओपन कर दीजिए। अकाउंट में चार आइटम है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक और फोर्थ बाय पीएल। ओपनिंग क्लोजिंग हम कहां से लेंगे बेटा? नेचुरल सी बात है बैलेंस शीट के अंदर से। तो हमने क्या करा, वही सेम काम, ओपनिंग बैलेंस और जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा ये मैंने बैलेंस शीट के अंदर से लूंगा, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अभी हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा 30,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अभी मैंने अज्यूम करें आपको बैलेंस शीट के अंदर से लेंगे। तो ओपनिंग हो गया 20, क्लोजिंग हो गया बेटा 30। अब बेटा ये दो कॉलम कैसे फिल करेंगे, टू बैंक और बाय पीएल? तो ध्यान रखना बेटा, हमने कहा था कुछ आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं, कुछ आइटम बेटा बैलेंस शीट के बाहर गिवन होते हैं। तो जो आइटम बेटा अंदर गिवन है उनका तो वन साइड इफेक्ट था, लेकिन जो आइटम बाहर, अब क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट के बाहर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी रिगार्डिंग टू टैक्स, टैक्स से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देखने को बेटा मिलेगी। टैक्स से रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है देखिए, मैंने तीन इंफॉर्मेशन बेटा आपके सामने लिखी है, इन तीन में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी भी आ सकती है। पहली इंफॉर्मेशन है बेटा टैक्स पे, करंट ईयर में आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स चुकाया? 20,000। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या लिखी बेटा? नो इंफॉर्मेशन। और तीसरे इंफॉर्मेशन हमने क्या लिखी बेटा? प्रोविजन वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। बेटा इन तीन में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपकी एग्जाम में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा लिखी भी आएगी। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं कैसे पोस्टिंग करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां से लिया आपने? बैलेंस शीट से। पहले मैं ले रहा हूँ केस नंबर वन, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है टैक्स पे। बेटा एग्जाम में आपकी लाइन लिखी हुई आपकी टैक्स पे, आपके करंट ईयर में गवर्नमेंट को कितना टैक्स चुकाया बेटा? 20,000। जब भी टैक्स पे लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना बेटा आपको पूरी लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
जैसी टैक्स पे लिखावा आ जाए तो बेटा कौन से कॉलम में आपको उसको प्लेस कर देना है, कौन से कॉलम में डाल देना है बेटा, बैंक वाला। और जब बेटा तीन कॉलम में कैलकुलेट कर चुका हूँ, ओपनिंग मुझे पता, क्लोजिंग मुझे पता, टैक्स पेड को हमने बैंक में डाल दिया, जब बेटा तीन चीजें पता तो चौथी चीज बेटा बच्चा भी बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा पी एंड एल। कितना है बेटा बैलेंसिंग फिगर से 30,000। तो बहुत टिपिकल नहीं है, करंट मानोगे तो एक स्टेप पे काम हो जाएगा, नॉन करंट मानोगे तो बेटा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अच्छा केस नंबर टू, एक बार वापस से बनाते हैं टैक्स का अकाउंट, वही ओपनिंग बैलेंस, वही क्लोजिंग बैलेंस, वही बैंक और वही पी एंड एल। ओपनिंग क्लोजिंग बेटा अगेन मैंने कहां से लिया, बैलेंस शीट के अंदर से, लेकिन अब की बात बेटा बाहर एक लाइन लिखी हुई है नो इन्फॉर्मेशन। क्या बेटा एक लाइन खड़ा होती है नो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट के अंदर तो टैक्स का अकाउंट ओपन है लेकिन बैलेंस शीट के बाहर टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आई अगेन रिपीट, बैलेंस शीट के अंदर टैक्स का अकाउंट ओपन है बस, बट आउटसाइडर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्स रिगार्डिंग, बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और जब टैक्स रिगार्डिंग बेटा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर हम यहाँ पर एक छोटी सी अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन इज व्हाट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने करंट ईयर में गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, बेटा आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा इसी को आपको बैंक वालों में दिखा देना, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसी को आपको बैंक वाले में दिखा देना है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस का जितना भी अमाउंट था हमने करंट ईयर में गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स पे किया है। बेटा वापस अगेन भी आपके सामने आ गई ओपनिंग क्लोजिंग बैंक, आपने किसको अज्यूम किया, ओपनिंग बैलेंस को, अगेन बैलेंसिंग फिगर से कौन निकलेगा बेटा पी एंड एल। ठीक है चलिए, पहले केस में बैलेंसिंग फिगर से कौन निकला था पी एंड एल, सेकंड केस में बैलेंसिंग फिगर से कौन निकला बेटा पी एंड एल। अब आ रहा हूं लास्ट एंड फाइनल केस में, वापस से भाई ओपनिंग और क्लोजिंग सेम आपने अज्यूम किया 30-30। अच्छा अब की बार एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए बाहर प्रोविजन वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। बेटा जब भी प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो पूरी लाइन भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यदि हम प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ आया है तो बेटा ध्यान रखना प्रोविजन का मतलब गुल्लक, और गुल्लक इसमें से बनती है आपके हमेशा प्रॉफिट बेस, और बिजनेस की जो प्रॉफिट है सारे कहां कैरी फॉरवर्ड होते हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो जितने भी प्रोविजन बनते हैं सारे के सारे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनते हैं। तो जैसे ही प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ आ जाए पूरी लाइन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ही उस अमाउंट को उठा के बेटा कौन से कॉलम में दिखा दीजिए पी एंड एल कॉलम में, और अब की बार पहली बार बैलेंसिंग फिगर से कौन निकला है बेटा आपका बैंक। तो तीनों के सिंपल है और टिपिकल नहीं है, एक बार छोटा सा बेटा कोई रिकैप कर देता हूं। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट किया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है फंड फ्लो का क्वेश्चन करें, जैसे कैश फ्लो का जैसे रेशो का, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन होगी बेटा ऑलवेज बैलेंस शीट, वेरी गुड। दूसरी चीज जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उनका वन साइड इफेक्ट होगा फंड फ्लो या कैश फ्लो बनाते वक्त, और जो आइटम बैलेंस शीट के बाहर गिवन है उनका टू साइड इफेक्ट होगा। वन साइड का मतलब तीन में से एक जगह है पोस्टिंग, और टू साइड का तीन में से दो जगह है पोस्टिंग। क्लियर चलिए बेटा, जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उनका वन साइड इफेक्ट, जो बाहर गिवन है वो टू साइड इफेक्ट। फिर हमने स्टार्ट किया टैक्स का, फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पहले हमने टैक्स का नेचर आइडेंटिफाई किया, टैक्स का नेचर क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है, हर साल देना है, एक साल के अंदर अंदर देना है, कैश में देना है, तो बेटा नेचर निकल गया है करंट लायबिलिटी। और यदि हम टैक्स को करंट लायबिलिटी मानते हैं तो हमें केवल और केवल मात्र कहां दिखाना है बेटा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में, कौन से हेड में, करंट लायबिलिटी हेड में, इस नाम से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और क्योंकि टैक्स का अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेगा तो केवल और केवल बेटा वन साइड इफेक्ट होगा, लेकिन यदि आप टैक्स को नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं तो हमें इसका अकाउंट बनाना होगा। और सिंपल सी बात है अकाउंट को ज्यादा माता थोड़ी नहीं है बेटा, केवल चार आइटम आएंगे ओनली, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक और बाय पी एंड एल। और तीनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, उन तीनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में बाहर लिखी भी जरूर मिलेगी। टैक्स पेड
टैक्स पेड दिखावा आ जाए उसी के बैंक वाले पे डाल दीजिए, बैलेंसिंग फीचर से निकलेगा पीएल। यदि बोलता है नो इन्फॉर्मेशन, ये कोई लाइन नहीं है, बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो हम एक छोटी सी अजम्पशन ले लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस के बराबर ही बेटा इसको मान लेते हैं बैंक को। अगेन बैलेंसिंग फिगर से कौन निकला बेटा, पी एंड एल, और लास्ट एंड फाइनल प्रोविजन पर आपका कौन सा है बेटा, टैक्सेशन का तीसरा केस। यदि प्रोविजन पर लिखा हुआ आ जाए तो सीधे ही हमको कहाँ डाल देना है, पी एंड एल में, और पहली बार हम बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे बेटा, बैंक। तो दोनों के समझा दिए, यदि करंट लायबिलिटी मानते हैं तो डब्ल्यू सी में दिखाना है, नॉन करंट मानते हैं तो अकाउंट बनाना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में बेटा क्रिएट हो गया कि सर हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है आपका आइटम, इसको हमें कौन सी लायबिलिटी मानना है, सर हम करंट माने या नॉन करंट माने, ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि आपने दोनों समझा तो दिए, लेकिन आप हमें कौन सी लायबिलिटी मानना है, करंट या नॉन करंट। सुन लीजिए बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट, कंपनी एक्ट जो अमेंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक एडजस्टमेंट हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों को अब आपको ऑलवेज करंट लायबिलिटी ही मानना है। क्या मानना है बेटा, दोबारा बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन सी लायबिलिटी मानना है बेटा, ऑलवेज करंट लायबिलिटी मानना है अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो का बेटा कैप्टन 6 आया, उसके अकॉर्डिंग अब आपको टैक्स को और प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड को हमेशा कौन सी लायबिलिटी मानना है बेटा, करंट। आप बोलेंगे सर जब करंट लायबिलिटी ही मानना था, करंट लायबिलिटी अज्यूम करना था, तो आपने इतना लंबा फिर कैलकुलेशन बताई कि अकाउंट बनाएंगे ये ट्रीटमेंट करें कि क्यों बताया। तो बेटा कोई भी चीज हम फालतू क्लास में डिस्कशन नहीं करते बेटा, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें तो बेटा आपको दोनों को ही करंट लायबिलिटी अज्यूम करना है, टैक्स हो जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड हो। लेकिन जब बेटा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे CFS, तो वहां पर आपको हमेशा जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो और चाहे से बेटा प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड हो, ऑलवेज हमेशा कौन सी लायबिलिटी मानना है, तो ऑलवेज आपको लायबिलिटी मानना है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। तो ध्यान रख लीजिए, ये आपका डाउट भी खत्म कर दिया कि सर करंट माने या नॉन करंट माने, तो एक चीज ध्यान रखना, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑलवेज करंट लायबिलिटी, लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो टैक्स हो जैसे प्रपोज डिविडेंड हो, ऑलवेज बेटा नॉन करंट लायबिलिटी ही अज्यूम करना है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बचे हुए सारे एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, जाते जाते बेटा आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप बेटा इस वीडियो को या जितने भी हमारे वीडियोस हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार, जय श्री श्याम टू ऑल।